घबराने वाली बात नहीं है, आप प्रोफेशनल अपने करियर का पहला कदम यहां पर रख रहे हैं। तो बचपन के अगर आप अपना याद करें, ठीक है, तो जब छोटे में बच्चा होता है ना, तो वो ऐसे हाथ पांव चलाता रहता है, तो घर वालों को पता लगता है हाँ भाई साहब मोटर चल गई है बच्चे की अब, है ना। हाँ, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उठा के भाई साहब बच्चे को, जैसे वो होती है ना वो कार पीछे करके छोड़ दो, जैसे नैनो नैनो को देख के फीलिंग आती है भाई साहब पीछे करके छोड़ने पे चलेगी, है ना, तो वैसे ही बच्चे के हाथ पांव चलते तो पेरेंट्स को फील हो जाता है कि हाँ भाई अब ये चलने वाला है। उठा करके बच्चे को जमीन पर रखते गिर जाता है, टोपलिंग हो जाती है ना। समय के साथ सीखता है, तो वो आपके लाइफ का पहला कदम था, अब आपके प्रोफेशनल लाइफ का पहला कदम है, तो इसमें थोड़ी अड़चने तो आएंगी ही आएंगी। अगर आप यहां पर गिरते हैं, कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो भाई ये बहुत नॉर्मल चीज है ना, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, सिंपल सी बात, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप प्रोफेशनल अपने करियर का पहला कदम यहां पर रख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ बच्चों के लिए चीजें खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है, बिलीव मी दिस इज नॉर्मल, राइट। कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो जाए, बट दैट डज नॉट मीन, बचपन में जिसने पैदल चलना पहले सीखा था तो क्या आज वो सबसे तेज दौड़ रहा है दुनिया में, जरूरी नहीं है ना, है ना। हो सकता है आखिरी में, जैसे मैं था पानी पानी बोल नहीं पाता था, ऐसे करता था घर वालों के सामने, हाँ भाई साहब 6-7 साल की उम्र तक मैं मम्मी को कहता मम्मी, हाँ मम्मी कहते भाई साहब ये कुछ और ना बन जाए, इसको पानी दे दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक एटीट्यूड आपको अपनी लाइफ में रखना है कि यस अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर, लेकिन यस हमें अपना मेहनत करते रहना है, क्लियर।